यूक्रेन और रशिया के बीच में खड़ी कंट्री यूएसए और उसके साथ नेटो के 30 एलाइज भी हैं। यूएसए और रशिया में प्रॉब्लम की वजह से आज फ्यूल महंगा होता जा रहा है और ऑयल की डिमांड वैसे भी कोविड कम होने की वजह से इंक्रीज होती जा रही है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और सऊदी अरेबिया अपने नेचुरल ऑयल रिजर्व्स के साथ वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है। 2021 में यूएसए ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, सऊदी सेकंड नंबर पर रहा और रशिया तीसरा सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर था। अभी 21 फरवरी को ही सऊदी अरामको के सीईओ ने एक स्पीच में कहा कि कोविड की रिकवरी से पूरे वर्ल्ड में फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली एशिया में अभी फ्यूल की डिमांड ज्यादा है। इस स्टेटमेंट के बाद से ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करने लग गए। आज पर बैरल ऑयल $92 के अराउंड आ गया है, जो लास्ट ईयर 2021 में $77 के अराउंड था। यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस इस साल 20% से बढ़ गया है। रशिया और यूएसए में टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई कम हो रही है और डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। इसी बीच अरामको के शेयर प्राइस में भी 20% का इंक्रीज आ गया है और आज अरामको पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ऑन दी अदर हैंड, वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अप्रैल में और ज्यादा डिमांड को सर्व करना होगा। रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर भी है। अमेरिका की रशिया पर सैंक्शंस और बिजनेस ना करने देने की धमकियों की वजह से और वॉर होने के डर से यूएसए और रशिया दोनों ही अपने ऑयल एंड एनर्जी को खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऑयल डिमांड बढ़ने और कॉस्ट बढ़ने के रीजन से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और जिसका असर सभी कंट्रीज पर देखा जाएगा। ऊपर दिए हुए लिंक की वीडियो में आप देख पाएंगे कि क्या भारत में भी इलेक्शन के बाद पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं हूं दिनेश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। विशिंग यू अ गुड डे।